क्यूँ नहीं मैं एक ऐसा बनाऊ जिसमें करूँ की मैं, मैं खुद साड़ी कैसे ड्रेप करती हूँ इसीलिए ये आज का वीडियो मैं बना रही हूँ जिसमें मैं दिखाने वाली हूँ आपको ड्रेप करती हूँ जो आइडियोलॉजी साड़ी ड्रेप करने के पीछे ये है कि साड़ी ड्रेपिंग जो है वो फाइव मिनट्स में हो जानी चाहिए बहुत ज्यादा उस पर मतलब मेहनत नहीं लगनी चाहिए और भले वो साड़ी हैवी हो या लाइट हो ऐसा मेथड होना चाहिए जो कि आप फटाफट यू नो सीख भी लो और उसे इम्प्लीमेंट करने में आपको प्रॉब्लम भी नहीं हो और ये जो साड़ी ड्रेपिंग है ये मैंने सीखी है अपने मदर इन लॉ से और साड़ी पहनने का जो कहते हैं ना जिसे Uh, साड़ी पहनने का शौक जो मुझे आया है वो मैंने अपनी मम्मा से सीखा है क्योंकि मेरी मम्मा भी टीचर थी और वो साड़ी पहन के जाती थी स्कूल तो उनको देख के मेरा बड़ा मन करता था साड़ी पहनने का तो ये वीडियो मैं स्पेशली मेरी दोनों मॉम्स को डेडिकेट करती हूँ सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो इसमें मैंने बिल्कुल वही एग्जैक्टली exactly आपके साथ शेयर किया है जो मैं खुद पर्सनली करती हूँ साड़ी ड्रेप करने के लिए एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स इन द बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू सजेस्ट मी साड़ी पहनना स्टार्ट करने के पहले आप फुटवेयर जो भी आपने डिसाइड किए साड़ी के साथ पहनने के लिए वो आप पहले ही पहन लो ताकि जो साड़ी ना पीछे से या कहीं से भी किसी भी तरफ से ऊंची या ज्यादा लंबी ना हो उसकी जो हाइट है ना वो एग्जैक्ट वैसी आए जो आपको चाहिए कई बार आप नोटिस करते हो ना साड़ी ऊंची दिखती पीछे से तो अगर आप पहले फुटवेयर पहनोगे तो ये नहीं होगा उसके बाद देखो यहाँ मैं साड़ी में ना पूरा एक राउंड मैंने ले लिया है थोड़ा थोड़ा साड़ी अंदर इंसर्ट करते हुए कीपिंग इन माइंड कि मुझे उसकी हाइट कितनी रखनी है अब मैंने क्या किया उसको ऐसे पीछे से लिया और उसका जो एंड है ना पल्लू का एंड मैंने पकड़ा और उसको ना इक्वल कर लिया दोनों तरफ से रफली ऐसे लेके ताकि मेरी साड़ी की जो ना नीटनेस बनी रहे और अब मैंने पल्ला डाला है पल्ले की लेंथ ना थोड़ी ज़्यादा रखनी है भले आपको पल्ला ओपन करना हो या प्लीट्स डालनी हो दोनों के हिसाब से जितना भी आप रखते हो ना उसे थोड़ा सा ज़्यादा रखना है आई टेल यू वाई लेटर ऑन कि मैंने ये ज़्यादा रखना है क्यों कहा है अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम आता है जो कि है प्लीट्स ज़्यादातर साड़ियां जो ना आपको नीट नहीं दिखती ना वो प्लीट्स के कारण नीट नहीं दिखती हैं तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है हमें हम क्या करेंगे कि आप हाँ थोड़ा सा दो इंच करीब ना आप जगह छोड़ दो और फिर प्लीट्स बनाना शुरू कर दो हमने ना थोड़ी सी साड़ी इसलिए छोड़ी है ताकि ये जो प्लीट्स है ना मैं आराम से आगे ला के उसे एकदम सेंटर पे ला के इंसर्ट कर सकूं ठीक है और कई बार ना ये भी होता है जैसे आप प्लीट्स बना रहे हो ना तो प्लीट्स छूट जाती है हाथ से जैसे अभी मेरे भी ना छूटेगी अब देखना ये देखो लेकिन उससे क्या होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली आप आप आपकी प्लीट्स एक बार में फटाफट बन जाएंगी अब सारी प्लीट्स को ऊपर से होल्ड करके नीचे से उस सारी प्लीट्स को एक बार अच्छे से अरेंज कर लो ताकि नीट लुक आए और इस स्टेज पे आप चाहो तो पिनअप भी कर सकते हो सारी प्लीट्स को एक साथ अब ऊपर से क्या करो आप पल्ला थोड़ा सा लूज करो इसीलिए हमने पहले ना एक्स्ट्रा पल्ला लिया था ताकि हम ऊपर से उसको लूज करके जो तो उसका ये वाला जो कपड़ा है ना साइड वाला कपड़ा उसको अंदर डाल दें ताकि ना उससे क्या होगा कि आप जब प्लीट्स अंदर इंसर्ट करोगे तो उसका इस तरीके से ना लुक आएगा बहुत ही नीट सा लुक आएगा अब क्या करना है अब सारी प्लीट्स हमने अरेंज कर ली हैं अब उसको आप जितनी आपको लेंथ चाहिए सामने एक बार चेक कर लो दोबारा और अब उसको आ, सारी प्लीट्स को अंदर इंसर्ट कर लो अब कई बार ये भी होता है कि जब आप प्लीट्स अंदर इंसर्ट कर लेते हो तो यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा ना आपको दिख रहा होता है कोई बात नहीं आप उसको भी थोड़ा सा नीटली ऐसे जमा के उसको भी अंदर इंसर्ट कर लो अब बचता है लास्ट स्टेज जो कि है पल्ला तो आपको क्या करना है पल्ले को थोड़ा टाइट करना है यहाँ से ताकि ना आपका पल्ला बार बार गिरे नहीं और आपको तंग ना करे और फिर उसको दूसरी तरफ लेके कर आपको पिनअप करना है और अगर आपको प्लीट्स बनानी है तो इस स्टेज पे आप प्लीट्स भी बना सकते हो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद साड़ी ड्रेपिंग आपको मेरी तरह आसान और हैसल फ्री लगे इसके अलावा भी अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मैंशन कर सकते हैं गुड बाय टेक केयर And do wear saris because sari looks really amazing on every woman. And do subscribe to the channel. Thank you.